पीएम मोदी ने नई संसद को राष्ट्र को किया समर्पित। उद्घाटन के वक्त लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रहे मौजूद। नई संसद भवन में पीएम मोदी ने स्थापित किया सिंगोल। साधु संतों की मौजूदगी में की स्थापना। स्पीकर के आसन के बगल में प्रतिष्ठित किया गया सिंगोल। तमिलनाडु से आए साधु संतों ने विधि विधान से कराई पूजा। सिंगोल के सामने दंडवत होकर पीएम मोदी ने किया प्रणाम। हवन पूजा के साथ शुरू हुआ उद्घाटन समारोह। पूजा में पीएम के साथ स्पीकर ओम बिरला रहे मौजूद। उद्घाटन के बाद सर्वधर्म प्रार्थना सभा का हुआ आयोजन। पीएम मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री रहे मौजूद। पीएम ने संसद भवन की नई इमारत बनाने वाले श्रमिकों का किया सम्मान। शॉल भेंट कर श्रमिकों के काम की सराहना की। नई संसद के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने जारी किया 75 रुपए का सिक्का। एक डाक टिकट भी किया गया रिलीज। लोकसभा में राष्ट्रगान से हुई समारोह की शुरुआत। सांसदों के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। नई संसद में पीएम मोदी का पहला संबोधन। कहा कुछ क्षण इतिहास में हो जाते हैं अमर। आज का दिन ऐसा ही शुभ अवसर। पीएम मोदी ने नई संसद की बताई जरूरत। कहा भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया भवन। पीएम मोदी ने कहा नया संसद भवन आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस। 7,000 लोगों को इससे मिला रोजगार। पीएम मोदी ने कहा लोकतंत्र हमारी प्रेरणा, संविधान हमारा संकल्प है। संसद प्रेरणा और संकल्प का श्रेष्ठ प्रतिनिधि है। नई संसद में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने पढ़ा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संदेश। कहा पीएम ने किया उद्घाटन इस बात का संतोष। राज्यसभा के उपसभापति ने पढ़ा उपराष्ट्रपति का भी संदेश। कहा नया भवन सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जताई उम्मीद नए भवन में नई तकनीक का उपयोग कर सांसद अपनी कार्यकुशलता को बढ़ा पाएंगे। सीएम योगी ने सिंगोल को बताया भारत के न्याय और संप्रभुता का प्रतीक। का भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में जुड़ गया स्वर्णिम अध्याय। नई संसद के उद्घाटन के बाद बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल समारोह में कई विपक्षी दलों को न आना दुर्भाग्य की बात। प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा देश में हो रहे अच्छे कामों को कांग्रेस सहन नहीं कर पाती। विपक्ष के विरोध पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का तंज। कहा कुछ दल विकास के कामों में नहीं लेते रुचि। नई संसद उद्घाटन के मौके पर बोले यहूदी धर्मगुरु ई मालेकर भारत हमारे लिए मातृभूमि। समारोह में बुलाने पर हमें बहुत खुशी। नई संसद के उद्घाटन पर बोले अविनाशी मठ के कामची दासर स्वामी। कहा पीएम मोदी के पास सभी सद्गुण। नई संसद के उद्घाटन पर बोले मुस्लिम धर्मगुरु रिजवान उर रहमान देश के लिए मॉडर्न इंडिया की शुरुआत। सर्वधर्म सभा में आए सभी धर्म के लोग। समारोह में आए हिमालय बौद्ध सांस्कृतिक संघ के अध्यक्ष बोले बौद्ध रीति रिवाजों से की पूजा। एकजुट होकर देश के लिए करना चाहिए काम। पीएम मोदी को लेकर कांग्रेस का विवादित ट्वीट। नेहरू के सामने मोदी को नीचा दिखाने की कोशिश। कांग्रेस के ट्वीट पर भड़की बीजेपी। का असल में नेहरू का कद छोटा। रील के जरिए नेहरू का कद बढ़ाया गया। नई संसद को लेकर राहुल गांधी का पीएम पर तंज। कहा संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे पीएम। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का राहुल पर तंज। कहा विपक्ष ने हमेशा गणतंत्र को किया कमजोर। एक समय राहुल गांधी ने फाड़ा था अध्यादेश। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का ट्वीट। पीएम मोदी को बताया आत्ममुग्ध। कहा आदिवासी राष्ट्रपति को संवैधानिक ड्यूटी करने से दूर किया। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले का बयान। कहा बिना विपक्ष के अधूरा रहा संसद उद्घाटन कार्यक्रम। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान पीएम द्वारा नई संसद का उद्घाटन दुर्भाग्यपूर्ण। सिंगोल को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का सवाल क्या लोकतंत्र से तानाशाह का हस्तांतरण हो रहा है। सिंगोल को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर की पार्टी से अलग राय। कहा हर किसी को इस प्रतीक को अपनाना चाहिए। आरजेडी के ट्वीट पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान। कहा मेरे लिए संसद भवन मंदिर की तरह। मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। संसद उद्घाटन में होने वाले पूजा अनुष्ठान पर बोले शरद पवार सुबह से जो हुआ उस पर चिंता। ये देश को पीछे ले जाने वाला। संसद उद्घाटन पर बोले वैसे ही स्पीकर से कराना था उद्घाटन मगर पीएम को दिखाना है कि 2014 से पहले देश में कुछ नहीं हुआ। आरजेडी ने नई संसद का किया अपमान। नई इमारत की तुलना ताबूत से की ट्वीट कर लिखा ये क्या है। विवादित ट्वीट पर आरजेडी की सफाई। का ताबूत लोकतंत्र को दफ करने का प्रतीक। देश इसे स्वीकार नहीं करेगा। आरजेडी पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का पलटवार। आरजेडी के अपशब्दों का करारा जवाब देगी जनता। संसद है लोकतंत्र का मंदिर। आरजेडी के बयान पर वैसे का तंज। का उनका कोई स्टैंड नहीं कोई और मिसाल भी दी जा सकती है। बीजेपी से निकले नीतीश को बनाया अपना सीएम। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने आरजेडी पर किया अटैक। का संसद की ताबूत के साथ तुलना करने का जनता देगी जवाब। संसद उद्घाटन पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का बयान। का पांच बार माफी मांगने वाले को वीर बताया गया। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बयान मोदी सरकार लोकतंत्र की उड़ा रही धज्जियां। गुड गवर्नेंस के मुद्दे पर पीएम मोदी ने पार्टी मुख्यालय में की बैठक। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम हुए शामिल। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का दावा विधानसभा चुनाव में 156 सीटें जीतेंगे। बीजेपी का हाल कर्नाटक जैसा होगा। पीएम के राजस्थान दौरे पर बोले प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा। राजस्थान को पीएम ने क्या दिया है पहले भी कर चुके हैं दौरा। 31 मई की शाम को अजमेर में रैली करेंगे पीएम मोदी। पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर भी जाएंगे। पटना में 12 जून को होगी विपक्ष की बैठक। जेडीयू नेता मनजीत सिंह बोले सीएम नीतीश कुमार करेंगे अध्यक्षता। डीपीएपी चीफ गुलाम नबी आजाद का बयान जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जीतने पर राज्य का दर्जा वापस दिलाने के लिए करेंगे संघर्ष।
दिल्ली में पहलवानों का प्रदर्शन, नई संसद की तरफ कूच करने पर पुलिस ने रोका, हुई धक्का मुक्की। पुलिस ने पहलवानों को हिरासत में लिया, साक्षी मलिक, दिनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को हिरासत में लिया। रेसलर्स के नई संसद कूच पर बोले बजरंग पुनिया, जरूर होगी महापंचायत, हम अपने स्वाभिमान की लड़ रही लड़ाई। महिला पहलवान संगीता फोगाट ने कहा, हमारा आंदोलन खत्म नहीं हुआ, इस देश में अब तानाशाही नहीं, महिला पहलवानों का सत्याग्रह चलेगा। पहलवानों पर पुलिस एक्शन के खिलाफ, ओलंपिक गोल्ड विजेता नीरज चोपड़ा ने जताई नाराजगी, कहा इसे किसी और तरीके से सुलझाया जा सकता था। पहलवानों पर पुलिस की कार्रवाई पर भड़के राहुल गांधी का राज्याभिषेक पूरा हुआ, अहंकारी राजा जनता की आवाज कुचल रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बीजेपी का लोकतंत्र राष्ट्रवाद बेटी बचाओ का झूठा हुआ, बेपर्दा संसद के उद्घाटन का हक राष्ट्रपति से छीना, महिला खिलाड़ियों को पीटा। रेसलर्स के प्रदर्शन पर कर्नाटक के सीएम का सवाल, नई संसद की क्या जरूरत है जब न्याय करना ही नहीं। पहलवानों के विरोध में शामिल होने से किसानों को रोका गया, राकेश टिकैत के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से हटाया पहलवानों का टेंट, धरना स्थल से पहलवानों का टेंट हटाया। रेसलर्स के समर्थन में मेरठ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। डीसीडब्ल्यू चीफ स्वाति मालीवाल का दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र, बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग। पीएम मोदी ने देश से की मन की बात, 101वें एपिसोड में बोले पीएम, अगले 25 साल देश के लिए अहम। पीएम मोदी ने कहा, लोगों को एकजुट कर रहा मन की बात कार्यक्रम, इसमें जनता की भागीदारी महत्वपूर्ण। पीएम ने युवा संगम को बताया देश के युवाओं के लिए अच्छा मंच, का पहले दौर में करीब 1200 युवाओं ने किया देश के 22 राज्यों का भ्रमण। कल पीएम मोदी असम को पहले वंदे भारत एक्सप्रेस की देंगे सौगात, गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी की दूरी 5.5 घंटे में होगी कवर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, गुवाहाटी को बनाना है वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, नॉर्थ ईस्ट रेलवे को करना है विकसित। सरकार के 9 साल पूरे होने पर अलग अलग राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे केंद्रीय मंत्री, लखनऊ में हरदीप पुरी सरकार के कामों को बताएंगे। सूरत में धीरेन्द्र शास्त्री ने भरी फिर हिंदू राष्ट्र की हुंकार, कहा तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, जो हिंदू हैं वो घर से बाहर निकले, जो नहीं है वो चूड़ी पहनकर बैठ जाएं। एलएनजेपी अस्पताल में सत्येंद्र जैन से मिले केजरीवाल, ट्वीट कर जैन को बताया हीरो, मेडिकल ग्राउंड पर जैन को मिली अंतरिम जमानत। कर्नाटक विद्युत परिवहन निगम लिमिटेड में भर्ती की मांग, 1500 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार से की मुलाकात। अभ्यर्थियों से मुलाकात के बाद बोले डीके शिव कुमार, सभी खाली पदों को भरने का वादा करेंगे पूरा। जम्मू कश्मीर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं की आयु सीमा में 3 साल की बढ़ोतरी, 32 से 35 साल हुई अधिकतम आयु सीमा। श्रीनगर में खीर भवानी मेले का आयोजन, खीर भवानी मंदिर में भक्तों ने किए मां के दर्शन। लखनऊ में एक मिठाई की दुकान में लगी आग, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। किचन के डक्ट से होकर छत तक पहुंची आग, फायर टेंडर की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। यूपी सरकार ने बढ़ाई मोस्ट वांटेड बदन सिंह बद्दू की नामी राशि, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए की गई नामी राशि। सूरत में कैश रिकवरी पर अखिलेश यादव का अटैक, वीडियो ट्वीट कर लिखा, सूरत में कालेधन का अंबार, इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। पंजाब में पाकिस्तानी सीमा पर बीएसएफ ने एक ड्रोन को मार गिराया, एक आरोपी गिरफ्तार, 3 किलो से ज्यादा ड्रग्स बरामद। लुधियाना में एसटीएफ की कार्रवाई, 1.5 किलो से ज्यादा ड्रग्स के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। व्यापारियों से फिरौती मांगने के आरोपी ऋतिक बॉक्सर को जयपुर से हनुमानगढ़ लेकर आई पुलिस, आरोपी पर कई मामले हैं दर्ज। पुष्कर में सावित्री माता रोपवे में अचानक आई खराबी, यात्रियों का किया गया रेस्क्यू। मुंबई के कांदिवली में गोली मारकर युवक की हत्या, सीसीटीवी में तस्वीरें कैद। कर्नाटक के रायचूर में गंदा पानी पीने से एक बच्चे की मौत, सीएम सिद्धरमैया ने किया मुआवजे का ऐलान, 30 लोग हुए थे बीमार। केरल के कुन्नूर में ट्रेचिंग ग्राउंड में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। विशाखापट्टनम के एक कबाड़ की दुकान में लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मणिपुर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई, 40 आतंकी ढेर, कई आतंकी गिरफ्तार। मणिपुर में वेनम ब्रिज को शरारती तत्वों ने पहुंचाया नुकसान, जानकारी मिलते ही सेना ने पुल की मरम्मत की। मेघालय में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.6 मापी गई तीव्रता। मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। उज्जैन के महाकाल लोक मंदिर में 7 ऋषियों की 6 मूर्तियां क्षतिग्रस्त, तेज आंधी की वजह से मूर्तियों को पहुंचा नुकसान। आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम में बारिश के साथ तूफान, तेलुगु देशम पार्टी के महानड्डू कार्यक्रम में पहुंची बाधा। पाकिस्तान के कई हिस्सों में 6.0 तीव्रता का भूकंप, अभी तक जान माल के नुकसान की खबर नहीं। भारतीय शटर एचएस प्रणॉय ने जीता मलेशिया मास्टर्स का खिताब, मेन सिंगल्स मुकाबले में चीन के खिलाड़ी को दी मात। अलीगढ़ में खेलो इंडिया मुहिम के तहत अलीगढ़ प्रीमियर लीग की शुरुआत, क्रिकेटर रिंकू सिंह ने किया उद्घाटन। बाबिल ने जीता आईफा का बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड, फिल्म कला के लिए मिला पुरस्कार, इरफान खान के बेटे हैं बाबिल। आईफा 2023 में आर माधवन ने जीता बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, फिल्म रॉकेट्री के लिए किए गए पुरस्कृत। वीडी सावरकर की 140वीं जयंती पर एक्टर रामचरण का ऐलान, फिल्म द इंडिया हाउस बनाएंगे। अल्मोड़ा के प्रसिद्ध जागेश्वर धाम पहुंचे अक्षय कुमार, भोले बाबा का लिया आशीर्वाद। फिल्म स्वतंत्र जय वीर सावरकर का टीजर रिलीज, मुख्य भूमिका में नजर आएंगे रणदीप हुड्डा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।